आज आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन सरकारी विभाग अभी भी बाबा आदम के समय के नियमों का बोझ ढो रहे हैं। कई विभागों में नए समय के हिसाब से नए नियम भी बना लिए गए, लेकिन विभागीय वेबसाइट पर इन्हें अपडेट नहीं किया गया। ऐसे में सीएस उषा शर्मा ने फिर विभागों को अपनी नियमावली बनाने, नियमों को अपडेट करने और अपडेटेड नियमों की पूरी नियमावली को विभागीय वेबसाइट पर 3 महीने में अपडेट करने के निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। गुड गवर्नेंस का उसूल है कि विभागों के कामकाज के तरीके में पारदर्शिता हो। इसके लिए जरूरी है कि आम जनता की सहूलियत और जरूरत के मुताबिक नियमों को बदलते हुए सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित की जाए, लेकिन सरकारी विभागों के कामकाज के तरीके में खास बदलाव नहीं आया। इसको लेकर सीएस उषा शर्मा ने विभागों को निर्देश दिए हैं। विभाग नए समय के हिसाब से नियमों में बदलाव करे। आरटीआई लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी में अन्य नियमों के अनुसार बदलाव हो। आईटी के बढ़ते उपयोग के मद्देनजर बदलाव हो। विभाग की कार्य प्रकृति के अनुसार बदलाव किया जाए। इस समय की कार्य प्रकृति कितनी बदली उसके अनुसार बदलाव हो। पदों के कार्य मापदंड और कर्तव्यों के निर्धारण का बदलाव में ध्यान रखा जाए। इन मापदंडों के अनुसार विभाग अपनी नियमावली बनाए। जिन विभागों में पहले से नियमावली है उनमें अपडेशन या संशोधन हो। विभागीय नियम तैयार करने या अपडेट करने में तय फॉर्मेट का ध्यान रखा जाए। इसके लिए तय दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखा जाए। वहीं अगर नियमावली बनाने या अपडेशन के दिशा निर्देशों की बात करें तो विभागीय नियमावली तैयार करने या अपडेशन संशोधन का काम 3 माह में पूरा करेंगे। इस काम में विशिष्ट अनुभवी लोगों का योगदान लिया जा सकता है। प्रशासनिक विभाग की राय या पूर्वानुमति लेकर रिटायर्ड या अनुभवी कर्मचारी से टास्क बेसिस पर काम करवाना संभव है। एचओडी नियम अनुसार पारिश्रमिक या मुद्रण और अन्य खर्चा कर सकेंगे। पारिश्रमिक राशि को किए काम के अनुपात में तय किश्तों अनुसार किया जाए। नियमावली में सारे पहलू शामिल है या नहीं ये सुनिश्चित करके अंतिम किश्त का भुगतान होगा। राज्य सरकार के सारे स्थायी और समय समय पर जारी विभागीय आदेशों को शामिल किया जाए। विभागीय गतिविधियों के नियमों प्रावधानों को नियमावली में शामिल किया जाए। इसका भी जिक्र हो कि विभाग के विशिष्ट मामले किस प्रक्रिया, किस स्तर से और किन पहलुओं के मद्देनजर कितने समय में निपटाए जाएंगे। विशिष्ट सत्र में विशिष्ट काम कराया जाए तो उस काम की प्रकृति और उसे पूरा करने के मापदंड का ध्यान रखा जाए। उस काम को पूरा करने के समय का नियमावली में जिक्र हो। दौरे करने वाले अधिकारियों के निरीक्षण या दौरे को भी नियमावली में शामिल किया जाए। वेबसाइट पोर्टल का विवरण और उन पर मामलों के निपटारे की प्रक्रिया और दिशा निर्देशों को शामिल किया जाए। नियमावली में जरूरी फॉर्मेट को शामिल किया जाए। नियमावली बनाने और अपडेशन में ध्यान रखा जाए कि उसके नियम या दिशा निर्देश सरकार के प्रसारित नियमों के खिलाफ नहीं हो। ये नियमावली ऐसी हो कि विभाग के लिए पथ प्रदर्शिका का काम कर सके। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनके नियम एक जगह पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सीएम ने कहा कि एआरडी के जरिए अपने परिपत्र में हर विभाग की विभागीय नियमावली होनी चाहिए, साथ ही उसका समय की जरूरत के अनुसार अपडेशन और संशोधन भी किया जाना चाहिए। नियमों के बनने से लेकर अब तक फाइलिंग से लेकर सरकारी कामकाज तक की पूरी प्रक्रिया में बदलाव आ चुका है, लेकिन नियमावली बनाने, उन्हें अपडेशन करने और वेबसाइट पर डालने की पूरी प्रक्रिया पारंपरिक सोच लिए हुए है। ऐसे में नियमावली अपडेशन के साथ साथ पारंपरिक धर्रे को भी बदलना लाजमी माना जा रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।